दोस्तों आज के वीडियो से हम जानेंगे नारी दूत ऐप से किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है और उसका स्टेटस जो भी लास्ट में आता है, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसके बाद का स्टेटस हम जानेंगे। चलिए दोस्तों इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नारी शक्ति दूत ऐप आपने अपडेट नहीं किया हो तो अपडेट कर लीजिए। तो नारी शक्ति ऐप मेरा अपडेट हो गया है, मुझे इस तरह का इंटरफेस अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साफ देख सकते हैं मराठी में लिखा है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो मैंने एक फॉर्म भरा है, उसका स्टेटस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अपूर्वी के लिए अर्ज, जो भी आपने अर्ज किया है उसका स्टेटस है यहाँ आपको दिखाई देता है। आपको सर्वे स्क्रीन लोड हो रहा है, यानी कि सर्वे के ये देखिएगा, यहाँ एक कोड नंबर होता है, यहाँ सिटीजन जो भी आपका नाम होता है, जो भी आपने प्रोफाइल भरी है उसमें, और मोबाइल नंबर, और क्रिएट ऑन कितने और कितने तारीख को कितने बजे आपने फॉर्म अपलोड किया है। इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लगता है लोडिंग सर्वे। यहाँ आपको पूरा डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा, यहाँ कोड है, यहाँ यूज़र नेम, यहाँ सिटीजन, यहाँ क्रिएट ऑन कितने तारीख को कितने समय में आपने फॉर्म फिल किया है, यहाँ आपका जो भी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, यहाँ आपका पेंडिंग दिखा रहा होगा। और जब भी वहाँ चेक करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट आपका, अगर सही से जानकारी आपने भरी हो तो ये फॉर्म आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।